किसानों का ये वक्त आ गया है कि उन्हें अपना ही पैसा लेने के लिए धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का गन्ना भुगतान न मिलने के कारण बिजनौर का किसान गुस्से में है और सोमवार को पूरे शहर के किसान रशीदपुर गढ़ी चौक पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर का बीमा न होने पर उनसे जुर्माना लिया जाता है और जिले के डीएम, एसपी और थानों की गाड़ियों का कभी भी बीमा नहीं होता, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, ये कैसा कानून है। किसान नेताओं ने जिले में धारा 188 लगाने की बात कही। उनका कहना है कि धारा 144 पर किसानों को गिरफ्तार किया जाता है, मगर वो धारा 188 लगा रहे हैं जिसमें अधिकारियों को किसान गिरफ्तार करेंगे। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। एसपी ऑफिस के बाहर किसानों और एलआईयू कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक और गाली गलौज हुई। इस बार किसान कलेक्ट्रेट में रहने के इरादे से आए हैं। वो अपने साथ खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था करके पहुंचे हैं। किसानों ने खाना बनाने के लिए 18 स्थानों पर चूल्हे लगाए जहां पर खाना बनता रहा। इस बीच किसानों ने किसी भी अधिकारी को कलेक्ट्रेट में नहीं घुसने दिया। किसानों का कहना है कि अब बिजनौर में 21 सितंबर को महापंचायत होगी और अगर प्रशासन ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो शहर में 72 जगहों पर सड़क जाम कर दी जाएगी। हुआ क्या आया? लफड़ा कर रहा वो सब्जी मंडी पुलिस वाला में था। आज जिले भर का किसान कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुआ है। लगभग कितना बकाया गन्ना भुगतान है? क्या समस्या से देखो 571 करोड़ तो बकाया भुगतान है। बिजली की बड़ी समस्याएं हैं। इस देश में एक कानून है गन्ना एक्ट का कि 14 दिन के अंदर अंदर किसान के गन्ने का अगर भुगतान नहीं होता तो 15वें दिन उस गन्ने के पैसे पर ब्याज मिलेगा। किसान को आज तक ब्याज नहीं मिला। कोर्टों ने भी बतेरे आदेश करके देख लिए, कोर्ट के आदेश ये नहीं मानते, कानून को अपने ये नहीं मानते, तो भाई इसलिए किसान आज आंदोलित है। और बिजली का बिल जो इन्होंने कई गुना बढ़ाए हैं उस पर एक बड़ा किसानों के अंदर आक्रोश है, उसे लेकर हम यहाँ आए। 17 डिमांड हमारी जनपद भर के किसानों की हैं। नजीबाबाद में शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की मुख्यमंत्री 2 साल पहले घोषणा करके जाता हो, आज तक क्षमता वृद्धि ना होती हो, तो ये दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि भाई जो कानून इस देश में गरीबों पर अलग कानून लागू होता, अमीरों पर अलग कानून लागू होता, तो ये डिमांड करना है किसान यहाँ कि भाई इस देश में अगर कानून दो चल सकें, भाई एक प्रदेश एक कानून या एक जिला एक कानून तो चला लो, और अगर इनमें सुधार नहीं होता तो लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। किसान अपनी तैयारी के साथ यहाँ आया है, यहाँ डंगर ढोर भी आवेंगे, यहाँ सारा सिस्टम आवेगा, यहाँ खाट भी आवेंगी, मच्छरदानी भी लगेंगी, यहाँ बिस्तर भी बिछेंगे, यहाँ सारे काम होंगे, यहाँ आटे की चक्की भी लगेगी, यहाँ चक्की से आटा भी पिसेगा, गेहूँ भी आ रहा है, सारा सामान आ रहा, ठीक है। नहीं भुगतान लेना देना तो हमारे हाथ में है नहीं भाई, भुगतान ले कर जाएंगे देख कर जाएंगे, बहरहाल कुछ कार्रवाई तो हो, कुछ तो हो। लगातार किसान शासन और प्रशासन से मांग कर रहा है, फिर भी मांग पूरी नहीं हो भाई। देखो किसान, ये कारण इसका ये है कि किसान विहीन राजनीति हो गई इस देश की। इस देश के अंदर जाति और धर्म और बिरादरी के आधार पर राजनीति होती है। किसान प्रतिनिधि जहाँ कानून बनता है वहाँ किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। कानून बनाने वाले ये हैं। भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है, किसानों की आवाज़ उठा सकते हैं हम कानून नहीं बना सकते।
हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं, इसलिए इस तरह की समस्या है।